तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको चार पांच सामान लगने वाला है, देख सकते हो क्या क्या लगने वाला है। ये कैंची लगेगा आपको, कैंची जिससे कट करेंगे, और ये इंच पटरी देख सकते हो, और ये लंगड़ा प्रकार, और एक पेन, और ये डप्टी, डप्टी बोल सकते हो या तो पुट्ठा बोल सकते हो, नहीं तो कुछ भी पेपर वेपर बोल सकते हो। देख लो कैसा है, मैं दिखा देता हूँ, जो समझ में आए वही वही बोल सकते हो। देख लो ऐसा कुछ चाहिए, कड़क रहना चाहिए अपना। देखो इधर मैं थोड़ा कट किया था दोस्तों। आपको एक 24 सेंटीमीटर का एक राउंड फिगर गोला बना लेना है, उसके बाद 12-12 सेंटीमीटर का देख सकते हो सबको कट लगा लेना है, लगभग 4-5-6 कट आएगा। आप 12 सेंटीमीटर का लगाएंगे तो जितना आएगा उतना पूरा लगा लेना है। उसके बाद में जिधर आप कट लगाए थे उधर एक सीधा लाइन खींच देना है, चीना मार्क मार देना है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार। देख सकते हो जिधर जिधर अपना 12 सेंटीमीटर का चाप लगाए थे उधर अपना एक सीधा सीधा मार्कर मार देने का है। और उसके बाद आपको ऊपर से 6 सेंटीमीटर, ऊपर से 6 सेंटीमीटर और मतलब सब बाजू से 6-6 सेंटीमीटर आपको ले लेना है। जिधर आप मार्कर मारे थे उसमें 6-6 सेंटीमीटर का मार्क आपको दोबारा लगा लेना है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको भी लगा लेना है। इतना सब करने के बाद आपको एक दोबारा फिर से 6 सेंटीमीटर का एक गोला रिंच से राउंड फिगर मार देने का, देख सकते हो हम किधर से मार रहे हैं, 6 सेंटीमीटर का एक गोला मार देना है। देख सकते हो एक गोला आप बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद में सब बाकी का बाजू का सब काट के निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। और बीच में अपना एक पॉइंट होल ले लेने का, होल कर देंगे, देख सकते हो इधर होल किया है। तो आपको ऐसा ही कुछ इस प्रकार दोस्तों, आपको एक ऐसा फ्रेम बनाने के बाद जो अपना देखो कुछ देख सकते हो फ्रेम बन गया है। तो फ्रेम बनाने के बाद आपको जिधर भी 3D वाल टेक्चर निकालने का है उसे वॉल पे रख के, और एक आपको मार्कर लेना है, आप पेंसिल भी ले सकते हैं, और उसको चारों तरफ से उसको कवर कर ले, देख सकते हो किस तरह से हम कवर कर रहे हैं उसको, चारों तरफ से मार्कर लगा लेंगे। और हाँ दोस्तों एक बात और, बीच वाला जिधर हम पॉइंट दिए थे देख सकते हो, बीच वाला पॉइंट को भी आप एक बार मार्क जरूर कर ले ताकि किससे पता चले कि हमारा किधर किधर तक हुआ है। देख सकते हो हमारा बीच में भी थोड़ा पॉइंट है, देख सकते हो। आपको ऐसा एक एक रख के सब पॉइंट कर लेना है, मार्कर लगा लेना है। देख सकते हो सब पूरा होने के बाद कुछ इस तरह से अपना दिख रहा है। आपको पूरी दीवार जितना भी वाल 3D वाल टेक्चर निकालने का है पूरी दीवार आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको एक इंच पटरी लेने का है, कोई कोई इंच पटरी बोलते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हो इंच पटरी के अलावा, आप सीधा लकड़ी भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको देख सकते हो जिधर जिधर आप उन मारे थे उसको मिला देने का, सीधी सीधी लाइन खींच देने का, देख सकते हो ऐसा जो हमने एक दो खींच रखा था और फिर हम खींच भी रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यही पूरा कर लेना है एकदम पूरा। We'll be right back.
और उसके बाद दोस्तों जो हमने फ्रेम बनाया था उसको बीच वाला हिस्सा देख सकते हो, ये वाला कट कर देने, नीचे वाला हिस्सा जो अपना गोल का पार्सन वाला हिस्सा था उसको कट करके हमने इसे गोल वाला निकाल लिया, और गोल वाला ऐसे नीचे रख के हमने उसको ऊपर से एक राउंड फिगर और बना दिया, देख सकते हो ये अपना गोल वाला निकाल के नीचे रखने का ऐसा, और उसको ऊपर से ऐसा राउंड फिगर एक मार देने का, इसे सब पे कर लेना है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो सब पे ऐसा आपको कर लेना है। और उसके बाद आपको एक पॉइंटिंग कलम ब्रश लेना है, और अपना ऊपर वाले पार्ट्स वाले बॉक्स में जो अपना बॉक्स का ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट्स था उसमें अपना देख सकते हो कलर भर देना है, आप कौन सा भी कलर भर दें, हमने ऊपर वाले में येलो ही भरा था, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, आपको पूरा पहले यही कर लेना है। देख सकते हो हमारा पूरा होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है, देख सकते हो अच्छे से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दूसरी बार दोस्तों हमने ग्रे कलर लिया था, देख सकते हो ग्रे कलर आप मार सकते हैं, आप ब्लैक मारेंगे तो और अच्छा होएगा, मेरे पास ब्लैक नहीं था इसलिए मैंने लाइट ग्रे ही ले लिया, मेरे को लगा अच्छा लगेगा तो हमने लाइट ग्रे ही लगाना चालू कर दिया, देख सकते हो अच्छे से आप कटिंग मीटिंग कर लेंगे, देख सकते हो कितना अच्छे से, और देख सकते हो अगर आपको दोस्तों कटिंग करने में परेशानी हो रही है तो आप पतरे पतरे से पुट्टी करने वाला पतरे से भी कटिंग कर सकते हो, देख सकते हो कुछ इस प्रकार, आपको कोने पे रखना है उसको और ब्रश ऊपर से चला देना है तो काफ़ी अच्छा कटिंग इससे भी हो जाता है, तो मैं इसी से भी कर रहा था और उससे भी किया, आपको जो अच्छा लगे वो इसे कर सकते हो। और आप अच्छा होगा कि इसमें ब्लैक कलर ही भरें, जो हमारा लाइट ग्रे ग्रे है उसमें ब्लैक भरेंगे तो अच्छा और दिखेगा, पूरा डिजाइन खुल के दिखेगा, देख सकते हो हमारा सब खुल होने सब पूरा होने के बाद ऐसा दिख कुछ दिख रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों कंप्लीट भी हमारा फाइनल पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट में करें, कुछ मत करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बस।